Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी जहांगीर बाभा के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आपके लिए एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कौन से शहर में स्थित है? अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो के अंत में आपको इसका जवाब ज़रूर मिल जाएगा। 30 अक्टूबर को हम महान फिजिसिस्ट होमी जहांगीर भाभा की जयंती मनाते हैं। उनको अक्सर इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के पिता के रूप में जाना जाता है। वे भारत के बेहद सफल परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के मुख्य आर्किटेक्ट्स में से एक हैं। वे एक वैज्ञानिक ही नहीं लेकिन एक विजनरी और संस्था निर्माता भी थे। होमी भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को हुआ था। बचपन से वे एक बुद्धिमान और कड़ी मेहनत करने वाले छात्र थे और उनके माता पिता ने उन्हें मैकेनिकल इंजीनियर बनाने का सपना देखा था। हालांकि युवा भाभा की रुचि फिजिक्स के अध्ययन करने में थी और इंजीनियर बनने में नहीं। भाभा ने यूरोप में अध्ययन किया जहां वे अपने समय के कई महान फिजिसिस्ट से परिचित हो गए और उनके वापसी पर भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान देने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उनकी बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं थीं और अपने घर लौटने पर उन्होंने कॉस्मिक रे रिसर्च यूनिट की स्थापना की। उन्होंने न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में भारत की रणनीति तैयार करने में मदद की, जिसके लिए इन्हें इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के पिता के रूप में याद किया जाता है। अपने स्टूडेंटशिप के दौरान उन्होंने कोपेनहेगन में नील्स बोर के साथ उनके रिसर्च पर भी काम किया। उन्होंने 1935 में प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी सीरीज ए नामक एक पेपर पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन पोजीशन स्कैटरिंग के क्रॉस सेक्शन का पता लगाने के लिए कैलकुलेशन दिया। बाद में उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि भारतीय विज्ञान संस्था बैंगलोर में डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में एक रीडर के रूप में एक पद स्वीकार कर लिया, जिसका नेतृत्व तब प्रमुख भौतिक विज्ञानी सी वी रमन ने किया। उन्होंने 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग के गठन और 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 3-स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम की कल्पना की, जिसमें यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम का उपयोग एडवांस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स के साथ फुल सर्कल में होता है। इस वजह से भी उन्हें इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के पिता कहा जाता है। 1966 में वियना ऑस्ट्रिया की ओर जाने के दौरान मोंटब्लांक के पास एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। वे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के एक बैठक में भाग लेने के लिए अपने रास्ते पर थे। मुंबई में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का नाम उनके सम्मान में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के रूप में बदल दिया गया था। तो ये थी प्रसिद्ध फिजिसिस्ट होमी जहांगीर बाभा के बर्थ एनिवर्सरी पर एक छोटी सी जानकारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। टेस्टबुक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।